ओम शांति। आज बाबा के 20-12-21 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बच्चे जो भी कुछ तो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो और सारा दिन बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। साथ साथ बाबा ने कहा, दुनिया के विनाश होने से पहले अपनी अवस्था कर्मातीत बनानी है, बाप समान बनना है। फिर बाबा ने कहा, सदा खुशी में रहने के लिए यही स्मृति रहे कि शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाता है। नशा रहे वर्तमान समय 5 दिन से बाबा यही बात बच्चों को बता रहे हैं कि ये स्मृति रहे कि भगवान हमें पढ़ाता है, हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। तो भगवान पढ़ाता है तो वो खुशी नशा सदा चढ़ा रहेगा। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। क्वेश्चन है, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? आंसर है, यहाँ जो साइंस का हुनर है जिससे एरोप्लेन मकान आदि बनाते हैं, यह संस्कार वहाँ भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भल ज्ञान ना लें लेकिन वहाँ यह हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सत्ययुग से लेकर कलयुग अंत तक के हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो, तुम्हें पता है कि इन आँखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं वह सब खत्म होना है। गीत के बोल हैं, तूने रात गमाई सोई के। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था, वैसे फिर समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सत्ययुग की स्थापना कैसे होती है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग। बाप ने समझाया है, नई दुनिया सत्ययुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि क्या करते हैं, यह जो कुछ देखने में आता है यह कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उनमें जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीज़ें होती हैं वह रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये पुराना सब खत्म होना है। बाकी यह जो साइंस का हुनर है वह कायम रहेगा। तुम सब जानते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सत्ययुग से लेकर कलयुग अंत तक क्या क्या होता है। ये साइंस भी एक विद्या है। उनमें एरोप्लेन, बिजली आदि सब कुछ बने हैं, पहले यह नहीं था, अब बना है। दुनिया तो चलती रहती है। भारत है अविनाशी खंड जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, पढ़ले तो होती नहीं। यह साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है वह हुनर भी वहाँ रहता है। सीखी हुई चीज दूसरे जन्म में काम आती है, कुछ ना कुछ रहता है। यहाँ भी अर्थक्वीक जहाँ होती है तो फिर जल्दी में सारा नया बना देते हैं। वहाँ नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है। यह बनाने वाले फिर भी आएंगे, अंत में आएंगे, लेकिन स्वर्ग में ऊंच पद पाए वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। यहाँ की साइंस वहाँ अपने संस्कार ले जाएगी तो वहाँ सब कुछ नया बनाएंगे। अंत मति सुगति होगी,
भल उन्हों में ये ज्ञान नहीं है, परंतु वह आएंगे जरूर और आकर के नई नई चीजें बनाएंगे। यह ख्यालात अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं, यह सब खत्म हो जाए सॉरी खत्म हो जाएंगे, बाकी सिर्फ भारत खंड रहेगा। तुम वॉरियर्स हो, अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रही हो, वहाँ सब कुछ नया होगा। तत्व भी तमो प्रधान है, वो सत्व प्रधान बन जाएंगे। सत्युग में तत्वों सहित सब कुछ नया होगा। जो आज तमो प्रधान है वो भी सत्व प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो हम बच्चे यह सीख कर होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी ये बातें सुनाते हो तो वह बहुत खुश होते हैं। जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं ये समझाते तो बहुत अच्छा हैं, परंतु जब ओपिनियन लिखने के लिए कहते हैं तो कहते हैं विचार करेंगे। इतने में हम कैसे लिख दें? एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखें? यह सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है, तुम यह जरूर समझाते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, पापों का बोझा सिर पर बहुत है। यह पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं। रावण राज्य में सब पतित हैं, तब तो पतित होने के कारण पतित पावन बाप को बुलाते हैं। ये ज्ञान अभी तुमको है, सत्युग में यह कोई नहीं जानते। इनके बाद त्रेता आएगा, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। सत्युग और त्रेता में जो संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म की पढ़ाई पढ़ी उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो, जानते हो हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वह हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑलमाइटी नहीं कहा जाता है, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाकी यह जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं, यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनको फिर रियलाइज रिवाइज भी करते हैं, तो हमें भी ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, घर में जाकर के रिवाइज करनी है। जिसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम यह समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज बैठ समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचे से ऊंचा बाप है, तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में ये बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए हैं। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं कि हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। क्रिश्चियन का जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था, अब सब अलग अलग हो गए हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। एक होते हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अब सब अलग अलग हो गए तो कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब कहते हैं एक राज्य एक भाषा हो,
इन अनेकों में एक राज्य एक भाषा कैसे हो सकती हैं? वह तो शिव बाबा ही आकर के एक राज्य एक मत एक भाषा स्थापन कर रहे हैं। मत भेद ना हो, ये कैसे हो सकता है? अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं। जितना लड़ाई झगड़ा करते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े में पक्के हो गए हैं। अभी यह तो हो नहीं सकता जो सबकी एक देवताई मत हो जाए। वो तो सत्युग में ही हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक एक बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो एक मत हो नहीं सकते। भल कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ नहीं है। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो कि हमारा युग ही अलग है। कौन से हैं हमारा युग? हम कहाँ पर हैं? संगम युग पर। इस संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और फिर शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। वह योग रखते हैं ब्रह्म से, एक बाप से नहीं रखते। कोई किससे रखते, कोई किससे, कोई किसका पुजारी तो कोई किसका, यह किसी को पता ही नहीं है कि ऊंचे ते ऊंचा कौन है। इसलिए बाप ने कहा है ये सब हैं आसुरी संप्रदाय तुच्छ बुद्धि, रावण के मुरीद हैं। तुम अभी शिव बाबा के बने हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है, नई दुनिया सत्युग का। तो बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। इसलिए कैसे बनेंगे सतो प्रधान? इसलिए सिर्फ मुझे याद करो। कितनी सहज बात है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उनको द्वापर में ले गए हैं। भूल तो सारी भारी की है, परंतु ये बातें उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी जो स्थाई यहाँ आते रहेंगे। मेले में तो ढेर आते हैं, उनमें से देखो सैपलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते हैं, उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी आदि आदि, इसका भी अर्थ समझाना पड़ता है। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझा नहीं सकते। कोई तो चार पांच मास आते हैं समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते हैं। तुम जितने जास्ती प्रदर्शनी मेले आदि करेंगे उतने बहुत आएंगे, समझेंगे। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जाकर के समझें। सेंटर पर इतने चित्र नहीं होते, प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं। बहुत बड़ा मेला हुआ करता था, तो बाबा ने कहा वहाँ ढेर चित्र होते हैं, सेंटर पर सिर्फ प्रदर्शनी के चित्र। तुम समझाते हो तो अच्छा भी है, उन्हों को लगता है बाहर जाने से माया का वायुमंडल है। अपने धंधे धोरी में लग जाते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो नहीं बनेगी, और बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे। ऐसे नहीं नीचे से महल निकल आएंगे, बनाने पड़ेंगे नीचे से। जैसे कहते हैं सोनी द्वारिका निकल आई, ऐसे नहीं निकलेगी। पहली पहली मुख्य यह बात निश्चय करनी है। कौन सी? पहले पहले ये पक्का करो, ये निश्चय बुद्धि बन जाओ कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है। तब तो महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर आदि आदि। वह बीज जड़ होता है, वह बोल न सके, ये चैतन्य है। बाप ने तुमको सारी नॉलेज दी है जो औरों को अच्छी रीति समझानी है।
मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, निकलते कोटों में कोई ही हैं। 7-8 दिन आकर फिर गुम हो जाते हैं, ढेरों के ढेर हजारों की तादाद में कोर्स करते हैं, लेकिन आते फिर कोटों में कोई ही हैं। ऐसे करते करते कोई ना कोई निकल आएगा। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। कुछ भी हो, परिस्थितियाँ आए, कैसा भी हो समय, लेकिन बच्चों को कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। पतित से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है, अपनी संभाल करनी है। मुझे सतु प्रधान बनना है, ये चिंता लगी रही, और सब चिंताएं छोड़ करके मुझे कर्मातीत बनना है, सतु प्रधान बनना है, यह चिंता लगी रहे, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हो, अब योग बल से चढ़ना है। संगम युग पर योग बल से चढ़ती कला में जाना है। रात दिन यही फिक्रात रहे कि मुझे सतु प्रधान बनना ही है, और सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। स्कूल में भी यह रहता है कि हम फलानी फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाएं। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की, शिव बाबा को याद करने की मुख्य सब्जेक्ट है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है कि अब हम बाबा की याद से सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आई हैं, अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर 100 देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने, अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, फिर देवता वर्ण में आएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं शिव बाबा, ज्ञान का सागर बच्चों की बुद्धि में रोज रोज कितना ज्ञान भरते हैं। जिसको धारण करना है बुद्धि में भर कर के, फिर उसको अपने जीवन में कर्म में लाना है, अर्थात धारण करना है, नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे। सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, वो आएंगे सूर्यवंशी घराने में। इस समय तुम्हारी गतमत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है, जैसे कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं, प्रदर्शनी में आते हैं फिर चले जाते हैं, वह बन जाते हैं प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो अच्छा पद पा सकते हैं। फिर तुम्हारी यह मिशनरी भी जोर भरती जाएगी, बहुतों को कशिश होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलाने में समय तो लगता है ना, चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम जानते हो ये जो बॉम्ब्स आदि की लड़ाई लगेगी फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा, हाँ बढ़ता जा रहा है, आखिरी ये दुख की दुनिया खत्म हो जाएगी। टोटल विनाश नहीं होगा, शास्त्रों में गायन है, ये भारत अविनाशी खंड है। तुम जानते हो हमारा यादगार हूबहू आबू में है, उस पर समझाना चाहिए, वह है जड़ यादगार। यह प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है, राज्योग सीख रहे हो बैकुंठ के लिए। दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, हम भी यहाँ आकर बैठे हैं। ब्राह्मा अनुसार बाबा ने भी वहाँ ही स्थापना शुरू की, आबू में ही आकर के रहे। सिंध हैदराबाद से
पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते हैं बाबा हम आपसे राज्य लेकर के ही छोड़ेंगे, जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते और कराते होंगे खुशी भी उन्हों को रहेगी। स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे या नहीं। लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़े को मिलती है। मुख्य है 8 सोने के, फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। वंडरफुल बात बता रहे हैं आज तो बाबा। जैसे देखो पोप मेडल्स भी देते हैं तो सबको सोने का थोड़ी देंगे, कोई को सोने का कोई को चांदी का, माला भी ऐसे बनती है। तुम चाहते हो गोल्डन प्राइज ले में, चांदी की लेने से चंद्र वंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं। यही फूरना रखो पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इम्तिहान के टाइम स्टूडेंट भी गैलप करने का पुरुषार्थ में लग जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो, प्रोजेक्टर से इतने प्रभावित नहीं होते जितना प्रदर्शनी देखकर वंडर खाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपने कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रहे सतो प्रधान बनना है। सेकंड पॉइंट सदा यही खुशी रहे, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे से ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है, सुनकर विचार सागर मंथन करना है। वरदान निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते वो सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व पांच तत्वों के आकर्षण आकर्षित नहीं करते वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहो। स्लोगन जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। अमृत वेले तो एकांत ही होता है, लेकिन एकांत प्रिय माना एक के अंत में टिकने वाले, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे बनो। जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। आज की तपस्या की पॉइंट है, हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बनो। लाइट और माइट हाउस की झांकी बनो। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करो और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मुहूर्त का पाठ बजाओ। तब संपूर्णता समीप आएगी, फिर सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य कराना होगा वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकेंगे। सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से संकल्प किया और जहां चाहे वहां वह संकल्प पहुंच जाए। अच्छा ओम शांति।